राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, 20 जुलाई दिन सोमवार को सावन मास की अमावस्या है। सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में हरियाली अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है इस अमावस्या पे पौधा रोपण करने से ग्रह दोष शांत हो जाते हैं, इसके साथ ही पितृ भी तृप्त होते हैं। दोस्तों, इस बार हरियाली अमावस्या सोमवार के दिन है। सोमवार के दिन अमावस्या होने से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या को सूर्य ग्रहण जितना महत्वपूर्ण बताया गया है। सोमवती अमावस्या हरियाली अमावस्या के इस शुभ संयोग पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ, शिव परिवार और बजरंग बली का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माना जाता है कि सोमवती अमावस्या पर जो भी पूजा या उपाय किए जाते हैं वह बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस शुभ संयोग में काले धागे से करने वाले ऐसे चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से धन संबंधी परेशानी दूर होती है, किसी की बुरी नजर नहीं लगती, घर में से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और शनिदेव की ढैया साढ़े साथी और महादशा से भी राहत मिलती है और शनिदेव प्रसन्न होते हैं। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करके शनि के वृक्ष के पास जाएं। शमि के वृक्ष को एक नीले रंग की चुनरी उड़ाएं। ध्यान रखें, आप जो नीले रंग की चुनरी शमि वृक्ष को उड़ाएं वह चुनरी कोरी होनी चाहिए, नई जो पहले इस्तेमाल ना की गई हो। चुनरी का साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। चुनरी उड़ाने के बाद एक काले रंग का धागा लें। आप सूती या रेशमी कैसा भी धागा ले सकते हैं। धागा कम से कम 1 मीटर लंबा होना चाहिए। धागा लेने के बाद आप चुनरी के एक कोने को पकड़ें और उस पर धागे को बांध दें। इस उपाय को करते समय शनि देव के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। इस उपाय को करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन शमी के पौधे की जड़ को काले धागे में बांधकर गले या बाजू में धारण करें। ऐसा करने से शनिदेव संबंधी जीवन में जितने भी विकार होते हैं उनका शीघ्र ही निवारण होता है। शनिदेव के ढैया साढ़े साथी और महादशा से भी राहत मिलती है। अगर आप धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो काले धागे के इस उपाय को करके आप धन संबंधी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। बाजार से रेशमी या सूती काले रंग का धागा लाएं और सोमवती अमावस्या की रात को यानी कि सूर्यास्त के बाद इसे सिंदूरी हनुमान जी के मंदिर में ले जाएं। मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते समय इस धागे में 9 छोटी छोटी गांठें लगा लें। गांठें लगाने के बाद हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेकर इन सभी गांठों पर लगा लें। सिंदूर गांठों पर लगाते समय राम नाम का जाप करते रहें। इस धागे को अब अपने घर ले आएं। घर आते समय किसी से बात ना करें और रास्ते भर राम नाम का जाप करते रहें। घर आकर इस धागे को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें या फिर तिजोरी पर बांध दें। अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पर इस धागे को बांधेंगे तो आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और अगर आप इस धागे को अपनी तिजोरी पर बांधेंगे तो धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसा करने से धन धान्य की अपार वृद्धि होती है और धन पर किसी की नज़र नहीं लगती। बुरी नज़र से बचने के लिए सोमवती अमावस्या को एक काले रंग का धागा लें। धागे में 9 गांठें लगाएं। गांठें लगाते समय ओम शनि नमः मंत्र का जाप करते रहें। अब इस धागे को आप अपने गले में, हाथ में या पैर में कहीं पर भी बांध सकते हैं। इससे बुरी नज़र से बचते हैं, किसी की बुरी नज़र नहीं लगती।
काला धागा नज़र लगाने वाले इंसान की दृष्टि को भंग कर देता है, जिससे नज़र का असर आपके ऊपर नहीं होता। जो लोग गले या हाथ में काला धागा पहनते हैं, उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। वैज्ञानिक तौर पर देखा गया है कि काला रंग ऊष्मा का अवशोषक होता है, इसलिए काला धागा बुरी नज़र व हवाओं को आप तक नहीं पहुंचने देता और अपने अंदर ही अवशोषित कर लेता है, जिसका असर हमारे शरीर को नहीं होता। यह एक सुरक्षा कवच का काम करता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।